हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और TH9 के वीडियो में। काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि TH9 में रेगुलर खेला करूं, थोड़ा कम खेलता हूं क्योंकि TH11 और TH12 के अकाउंट्स को मैक्स करने में बहुत ज़्यादा बिजी हूं और थोड़ी देर पहले मेरा कट चुका है गाइस, क्योंकि डैम यार सारे बिल्डर्स फ्री थे, काफ़ी सारा लूट था, मैंने इन्वेस्ट किया गाइज। आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना मिनियन को अपग्रेड पे डाला एंड उसी के साथ कुछ वॉल्स अपग्रेड किए हमने एंड स्नीकिंग माइंस को अपग्रेड पे डाला, आप देख सकते हो जस्ट थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो 23 घंटे 56 मिनट पहले दो एयर स्नीकिंग माइंस को मैंने अपग्रेड पे डाला, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, वाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। एंड गाइज उसी के साथ एक अटैक भी मैंने करा था जो कि आपको दिख रहा होगा, मे बी यहाँ पे एक TH10 था, डेड TH10, जो कि हम थोड़ा रिप्ले देख लेंगे। क्या करूँ यार, रिप्ले मैं नफरत करता हूँ ये चीज़ों से यार, ये टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं नफरत करता हूँ। मैंने प्रॉपरली बहुत ही ध्यान से आराम से टैप करा था रिकॉर्ड बटन में, बट पता नहीं क्यों बेवकूफ रिकॉर्ड बटन या फिर पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ यार, और ये बहुत घटिया लगता है। समझ लो ठीक है, ये तो एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये TH9 है, TH9 फार्मिंग करेंगे, TH9 को मैक्स करेंगे, बट ये अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होती तो क्या होता, तो मैं कहाँ से फिर रिवाइंड करवाता और आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। सो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट फिर भी ये अटैक बहुत ही बेकार रहा क्योंकि यहाँ पे डेड TH10 था, जायंट विजर्ड्स, ये गो टू स्ट्रेटजी है मेरी, इसी स्ट्रेटजी से मैं बहुत दिनों से फार्मिंग कर रहा हूँ और थोड़ा शफल करता रहता हूँ, कभी कभी स्पेल्स के ऊपर ट्विक करते हैं, हील ज़्यादा लेते हैं या फिर रेज ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे रेज काफ़ी सारे लिए थे मैंने, बट वॉल्स यार, वॉल्स दो प्रॉब्लम्स हुई बेसिकली अटैक में, एक तो पेका और जायंट्स बोलर्स अलग हो गए, वो एक प्रॉब्लम रही। दूसरी प्रॉब्लम्स ये रही कि इसके वॉल्स काफ़ी हाई थे, तो जायंट्स एंड पेका वॉल तोड़ते तड़ते उनका दम निकल गया, और वैसे भी मेरे हीरोज़ काफ़ी लो हैं, बट ठीक है क्योंकि इवेंचुअली लूट हमने डिसेंट सा निकाल लिया, जैसे कि आप देख सकते हो अभी 2 लाख 5 लाख के आसपास मैंने शायद निकाल लिया था, और ठीक है चलो चलता है यार, बट फिर भी ऐसे प्रॉब्लम्स में वो अच्छा नहीं लगता। बट कोई बात नहीं गाइज, अभी हम लोग फिलहाल TH9 खेल रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि TH9 का एक शेड्यूल से बना लूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो TH9, बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट्स हमेशा चेक करता हूँ। यस मेरे को पता है मैं रेगुलर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट कमेंट्स हमेशा मैं चेक करता हूँ कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो वीडियोज़ में, क्या नया कुछ चाहते हो, सो मैं हमेशा सुनता हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट जो है वो भर भर के ड्रॉप कीजिएगा, जो भी आपको बोलने का मन करता है या फिर जो भी आप बोलना चाहते हो। और गाइज अगर वीडियोज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिर से नए अटैक्स में जाने वाले हैं, क्योंकि वो अटैक तो मैं कवर नहीं कर पाया, मैंने आपको थोड़ा रिप्ले तो दिखा दिया, बट रिप्ले किसी को नहीं पसंद यार, घटिया लगता है मेरे को, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद रिप्ले। आप लोग एक बार कमेंट्स में बताना कि कोई अगर अटैक हो जाता है उसके बाद रिप्ले देखने में किसको अच्छा लगता है, लाइव एक्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बट फिर चलिए फिर से एक बेस पर सर्च करने के लिए जुट गया हूं यहां पे, एंड काफी अच्छा लूट है यहां पे बेसिकली, बट गोल्ड थोड़ा कम है, बट आई थिंक कि इस बेस पे मुझे अटैक करना चाहिए क्योंकि एलिक्सिर और डार्क एलिक्सिर काफी अच्छा क्वांटिटी में यहां पे मिल रहा है, और फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को एलिक्सिर मिले चाहे गोल्ड मिले, मैं दोनों से करने वाला तो हूं क्या वॉल्स, सो फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए बस इस बेस पर अटैक करेंगे, एंड इसके हीरोज काफी लो है, वॉल्स भी लो है, बेचारा बहुत ही पिटने वाला है मेरे से। तो चलिए पहले जायंट्स यहाँ से स्प्रेड करेंगे, मैं हमेशा ऐसे स्प्रेड करता हूँ जायंट्स ताकि विजर्ड्स को प्रॉपर टैंक मिले, एंड यहाँ पर ड्रॉप करेंगे अपने अपने यार मैं बोला कुछ और कर कुछ दिया, और चलो कोई बात नहीं। वॉल ब्रेकर्स यहाँ पे किंग क्वीन एंड आई थिंक मेरे बोलर्स, फाइन ओके। सो जायंट्स थोड़े इस तरफ थोड़े उस तरफ, जो कि अच्छी बात तो है नहीं, बट फिर भी चलो आई विल मैनेज। यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एक बेबी ड्रैगन यहाँ, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये कहाँ से हो गया, क्या क्यों ड्रैगन वगैरह क्यों निकले गए यहाँ पे, ये तो भाई बैंड बजा दी अपनी। ओके चलो कोई बात नहीं देखते हैं जितना हो सके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मेरे बोलर्स अंदर जा चुके हैं, पेका आई थिंक पेका है एक अंदर। ओके सो यहाँ पे एक और हील करते हैं, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल ही अपने ट्रूप्स को गवाना, जो कि बहुत ही डिजास्टर हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं और कोई ट्रूप गवाता हूँ। यहाँ पे हील है मेरे पास एक और आई थिंक ये हील जो है मैं यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि अभी सारे चीज़ें जो हैं वो अंडर प्रॉपर हील में है, यहाँ पे फाइनल हील कर दूंगा और आई थिंक कि इससे ज़्यादा मेरे को कोई ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। ये बेस जो है वो 3 स्टार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यार डिफेंस वीक था इसका, यस ऑब्वियसली डिफेंस वीक था। ओके सो किंग्स एबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है, क्वीन की एबिलिटी मैंने कब यूज़ कर ली। ओके चलो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम क्या होता है किंग एबिलिटी लोग पहले यूज़ करते हैं क्योंकि किंग बेचारा जो है वो पहले ही भागता रहता है आगे और मार खाता रहता है, बट यहाँ पे उल्टा चीज़ हो गया, क्वीन एबिलिटी मैंने पहले यूज़ कर ली है उसके बाद किंग एबिलिटी। यहाँ पे पिका और कुछ विजर्ड्स जो है पीछे पीछे, ये विजर्ड्स कितने कूल लगते हैं देखो ना,
पूरा हुडी पहन के आराम से दौड़ते हैं नन्हे नन्हे पाँव से, और क्या डैमेज किया इनका, गजब का डैमेज, जब गजब 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 का डैमेज करते हैं ये। अभी देखो इस विजर टार की कैसे लेंगे, देखो ये क्या हुआ। ओके ओके कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था एक ही बार में डाउन कर देगा बट ऐसा हुआ नहीं, सारे विजर्ड्स एक साथ अटैक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलो गाइस, सो यहाँ पे एक और अच्छा अटैक और अच्छा लूट हमने फिर से निकाला, और बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से यहाँ पे टैप करके स्नेकिंग माइन एक और। यस यस यस, आई लव देम, आई लव स्नेकिंग माइंस, क्योंकि ड्रैगन्स को उंगली करते हैं, लावा हाउंड्स में डैमेज करते हैं, बलून्स तो छोड़ो उनकी तो बैंडी बजाते हैं। चलो कोई बात नहीं, सो गाइस एक फाइनल अटैक हम लोग और करेंगे, उसके बाद वीडियो को रैप अप करेंगे। एंड कुछ और वीडियोस मैं बना रहा हूँ, आपको पता है गाइस अलग अलग गेम्स में ट्राई कर रहा हूँ, और आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप्रिशिएट करने के लिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहना गाइस, और वीडियोस को शेयर वगैरह किया करो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग गेम्स के, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो फिर मज़ा आएगा। तो चलो एक और फाइनल अटैक करके वीडियो को रैप अप करना है, एंड वीडियो को रैप अप करने से पहले कुछ और वॉल्स को अपग्रेड, माय गॉड ये क्या हो गया। ओके सो अभी बेसिकली सीन क्या है पता है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बाहर की जो लेयर्स है ना, आप देख सकते हो ये बाहर की जो लेयर्स है, कुछ वॉल्स यहाँ पे बचे हुए हैं, तो इनको फिनिश करना है एज सून एज पॉसिबल, इन लेयर्स के वॉल्स को जो है फिनिश करना है, उसके बाद जो अंदर के कुछ वॉल्स बचेंगे उनको काम करना है, और लास्ट में फाइनली बाकी सारे वॉल्स जो है वो लेवल 10 के करने हैं। अभी तो सारे 9 के हैं, सारे नहीं है बट मैक्सिमम 9 के हैं। तो चलो एक और अटैक पे चलते हैं फटाफट। ओके गाइस गुड न्यूज, बहुत अच्छा लूट, प्रॉब्लम क्या है, अटैक करते ना। ओके सो काफ़ी सारा कलेक्टर लूट है, आप देख सकते हो बाहर की तरफ, बेसिकली सारे कलेक्टर्स बाहर ही हैं एंड लूट उन्हीं में है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बेसिकली इस बेस को 3-स्टार करना है, सारा लूट अपना बनाना है और बस काम खत्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे अटैक, और करेंगे बेसिकली कहाँ से, प्रॉब्लम एक चीज़ है कि फलल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो रिंग टाइप का बेस है, सारे ट्रूप्स बाहर घूमते रहेंगे, और ये दोनों जो एक्सपोज हैं स्कोर में, ये काफ़ी डैमेज करने वाले हैं। मेरे को अभी से पता चल रहा है कि इस बंदे ने क्या सोच के रखा है, बट मेरे पास एक प्लान है, आई थिंक ये प्लान वर्क करेगा, लेट्स सी ये वर्क करता है नहीं। यानी विजर्ड्स को ड्रॉप करें मैंने, अभी मैं वॉल ब्रेकर ड्रॉप नहीं करूँगा, दोनों पेका किंग क्वीन बस इन्हीं चीज़ों को ड्रॉप करूंगा, एंड चुपचाप देखूंगा कि पेका वॉल ब्रेक करते हैं, पेका बेवकू। ओके सो पेका, आई हेड देम जस्ट। ओके सो पेका वॉल ब्रेक कर चुका है, और थोड़े विजर्ड्स मैं और भेज रहा हूँ, एंड आई थिंक एक रेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सो ओके सो अब थोड़ी देर बाद हम बॉलर्स को ड्रॉप करेंगे, किंग्स एबिलिटी यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बॉलर से कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते कभी नहीं। ओके कोई बात नहीं, बॉलर्स ने उंगली कर दी, बाहर चले गए बेचारे, बट चोई कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास उम्मीद की किरण है, ठीक है, अभी भी उम्मीद की किरण हमारे पास अब बची हुई है। ओके सो सेंटर में बाप रे बाप। ओके सो तीनों बेबी ड्रैगन्स मैंने ड्रॉप कर दिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे विजर्ड्स को ड्रॉप कर रहा हूँ मैम, एंड यहाँ पे अपने वॉल ब्रेकर्स आई थिंक ये फाइनली। ओके ओ माय गॉड। ओके सो अभी भी बॉलर्स टिके हुए हैं अभी तक, यस। ओके सो पेका के ऊपर रेज यहाँ पे ड्रॉप करा मैंने, पेका हेल्थी, एक आधा हील चाहिए होता था मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, एक आधा हील चाहिए होता था, बट बॉलर्स ने काफ़ी डिसेंट सा काम किया यहाँ पे। विजर्ड बाप रे क्या दौड़ा विजर्ड भाई, देखा आपने स्पीड देखी विजर्ड की, बहुत ही कमाल की थी। ओके सो यहाँ पे लास्ट एंड द फाइनल रेज, उसी के साथ यहाँ पे काम तमाम, एंड बस थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा टाउन हॉल में थोड़ा सा लूट बचा हुआ है, बट वो निकलना तो मुश्किल होगा, क्योंकि मैं पहले मेरे को पता था कि पूरा राउंड बाय राउंड सब चीज़ें घूमेंगी, जंप नहीं था तो जंप नहीं होने से ऐसे ही होगा, बट कोई बात नहीं, लूट तो निकाल ही दिया हमने 5 लाख के ऊपर, 2700 डाक थोड़ा सा बच गया मेरे ख्याल से, बट कोई बात नहीं चलो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, डाक नहीं भी होने से चलेगा, बट ज़्यादा गोल्ड और एलिक्सिर इंपॉर्टेंट है। फ्री डार्क, ओके आई लव इट। ओके सो अब क्या करते हैं, वॉल्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वॉल्स करना है, तो यहाँ पे एक वॉल यहाँ पे गोल्ड से करते हैं, और कुछ 3-4 वॉल्स करेंगे हम विथ एलेक्स, यहाँ पे एक और आई थिंक एक और कर सकते हैं, यहाँ पे एक और फाइनल करेंगे यहाँ पे। ओके दिस इज इट गाइज, दिस इज इट, और ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं, तो इससे ज़्यादा कोई डिमांड भी मत रखना। सो आई होप श्योर गाइज आपको ये TH9 की वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल में फर्स्ट टाइम उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत लोग मेरे को TH9 की स्ट्रेटजी मांगते हैं, भाई इतने सारे स्ट्रेटजीज मैंने बना रखे हैं TH9 के ऊपर कि क्या बताऊँ मैं, एक बार जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट करो,
क्योंकि नया स्ट्रेटजी बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रूप्स वही हैं आज से 6-7 महीने पहले जो थे, वही ट्रूप्स हैं, उनका हिट पॉइंट डैमेज सब वही है, कुछ चेंज हुआ नहीं है। सो बेस बिल्ड में भी कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, टाउन हॉल 9 में जो भी चेंज हुआ है सब टाउन हॉल 12 में हुआ है ये लेजेंड लीग्स आने के बाद। तो भाई वही सारी स्ट्रेटजीज अभी भी कारगर है, आप जाके यूज़ कर सकते हो, आराम से ट्रिपल्स निकलते हैं TH9 पे अगर थोड़ी भी आप लगा दो अच्छी स्ट्रेटजी। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अच्छे रहें एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद बाय।